हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ बहुत ही बड़ी खबर। आंगनवाड़ी बहनों, केंद्रीय राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री की वजह से अपने विभाग का नाम खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की वजह से विभाग शर्मसार हो गया है। यह सुर्खियों का विषय इसलिए बना हुआ है कि मंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाई। मतलब देखा जाए तो इनको हिंदी लिखने नहीं आ रहा है और इनको इतना बड़ा मंत्री का पद सौंप दिया जा रहा है। अब क्या कहा जाए, जिनको हिंदी तक लिखने नहीं आ रहा है उनको लोकसभा और विधानसभा का इतना बड़ा पद कैसे दे दिया जा रहा है? कैसे यह देश का कल्याण कर पाएंगी? मोदी सरकार की ऐसी ही मंत्री हैं सावित्री ठाकुर, इनकी वजह से यह सवाल उठाया जा रहा है। महोदया मध्य प्रदेश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, क्या उनसे उनके एजुकेशन को लेकर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता? महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाई हुआ, जबकि यह मोदी जी का ही चलाया हुआ अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई और बहनों, और तब भी महोदया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाई। 12वीं पास सावित्री ठाकुर कैसे 12वीं पास कर पाई होंगी? अब बार बार यह सवाल उठ रहा है, कैसे मंत्री जी ने 12वीं पास की होगी? आजकल का छोटा बच्चा भी हिंदी आराम से लिख ले रहा है। अगर बच्चों को भी बोल दिया जाए तो वो सही सही लिख देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर महिला एवं बाल विकास मंत्री यह छोटा सा मोदी जी का फेवरेट स्लोगन नहीं लिख पाए। अब आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो वो नहीं लिख पाई, और उसके बदले में इन्होंने क्या लिखा, आइए देखते हैं। यह मामला है मध्य प्रदेश के धार जिले का। इन्होंने मंगलवार को शिक्षा जागरूकता रथ रवाना किया था और यहीं पर उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखना था, पर मंत्री जी ने क्या लिख दिया, आइए देखते हैं। मंत्री जी ने लिखा, बेटी की जगह पर बेढ़ी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेटी की जगह पर इन्होंने लिखा बेढ़ी पढ़ाओ, बेढ़ी पढ़ाओ और बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह इन्होंने लिखा बेढ़ी पढ़ाओ बचाओ। देखा जाए तो ढंग से इसको पढ़ा भी नहीं जा पा रहा है कि क्या लिखा है। एक तरह से देखा जाए तो मंत्री जी एक वाक्य एक शब्द भी सही सही नहीं लिख पाई हैं। ये छोटे छोटे शब्द भी नहीं लिख पाई मंत्री जी, और शिक्षा रथ को रवाना करने आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रही हैं और आई शिक्षा रथ को रवाना करने। अब मंत्री जी से कौन कहे कि पहले आप खुद में सुधार लाइए। अरे जब ऐसी जगह शामिल होना ही था तो तैयारी करके आती, एक बार दो बार 10 बार 100 बार प्रैक्टिस करके आती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख कर आती, उसकी पूरी तैयारी करके आती। इस तरह से पूरे विभाग की नाक तो न कटती, ऐसे में बीजेपी की भी बेइज्जती ही हो रही है। ऐसे ऐसे लोगों को नेता बना के रखा है जिनको सामान्य सामान्य शब्द लिखने भी नहीं आ रहा है। अब मंत्री जी की वजह से विपक्ष में भी सवालों का कटघरा तैयार किया जा रहा है। तो ये रही हमारी केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, जिनकी शिक्षा दीक्षा ये बता रही है कि उन्होंने कैसे और किस तरह से 12वीं पास की होगी। ऐसे ऐसे लोगों को महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद दे दिया जा रहा है। अब हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि ये हमारे विभाग के लिए क्या कर पाएंगी और क्या सोचेंगी और क्या निर्णय लेंगी, क्या इनको सही लगेगा और क्या गलत लगेगा। आप लोग भी अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को बच्चों की बुनियाद तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, किशोर किशोरियों और 0 से 6 साल तक के बच्चों के जीवन की बुनियाद तैयार करने की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की, पूरे महिला समाज की और पूरे बाल समाज की जिम्मेदारी ऐसे मंत्रियों को सौंपी गई है जो कि एक तरह से कहा जाए एक की अंगूठा छाप ही है। तो ये लोग क्या सुधार करेंगी देश के भविष्य का? आप लोग इन सवालों के जवाब मुझे कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा।
ऐसे ऐसे मंत्रियों से देश को बचाओ भगवान जी।